नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपको भी भूख ना लगने की समस्या है? क्या आपको भोजन करने का मन नहीं करता? क्या आपको भोजन में अरुचि हो रही है और भूख खुलकर नहीं लग रही है? तो आज की ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है दोस्तों। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे और उपाय बताने वाले हैं जो उन लोगों को हेल्प करेंगे जिन लोगों को भूख नहीं लगती है और भूख नहीं लगने की समस्या है। तो दोस्तों, चलिए आपका बिना कोई वक्त गवाए सीधे बात करते हैं उन नुस्खे और उपायों की तरफ कि ऐसे कौन कौन से नुस्खे और उपाय हम अपना सकते हैं इस समस्या को दूर करने में। तो दोस्तों, ऐसे में पहला नुस्खा आता है तो सेब का जूस। जी हाँ, रोजाना एक गिलास सेब के रस में मिश्री मिलाकर अगर आप लोग पीते हैं तो भूख खुलकर लगती है। इसके अलावा खट्टे सेब के रस को आटे में मिलाकर रोटी पकाकर खाने से भी आपकी भूख बढ़ने लगती है। यह पाचन तंत्र के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप भोजन करने जा रहे हों तो आपको क्या करना है कि मूली के छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। मूली के सलाद पर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर छिड़क कर आपको खाना है। ऐसा करने से भोजन के प्रति आपकी जो अरुचि हो रही है वो दूर होगी और आपकी भूख बढ़ने लगेगी। अगला जो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है वो है त्रिफला चूर्ण का सेवन। जी हाँ, जिन लोगों को कब्जे की वजह से भूख नहीं लगती है उन्हें त्रिफला चूर्ण का सेवन करना चाहिए। रात को गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच त्रिफला चूर्ण अगर लेते हैं तो पेट की कब्ज तो दूर होगी सही, भूख भी आपको खुलकर लगेगी। अगला तरीका है हरे धनिए का रस। जी हाँ दोस्तों, हरे धनिए का जूस पीने से भी भूख न लगने की समस्या से आराम मिलता है। इसलिए भूख ना लगने पर जो लोग परेशान हैं उन्हें हरे धनिए के पत्तों का रस निकालकर जरूर पीना चाहिए। अगला तरीका है आम का रस। जी हाँ दोस्तों, आम के रस में स्वाद अनुसार चीनी और सेंधा नमक मिलाकर पीने से भूख खुलकर लगने लगती है। अगली चीज़ आती है छाछ और खट्टी लस्सी। जी हाँ, आपको क्या करना है कि एक गिलास खट्टी छाछ में नमक, भुना हुआ जीरा, इनको मिक्स करके पीते हैं अगर आप लोग, तो भूख न लगने की जो बीमारी है आप में वो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यह हाजमे के लिए काफ़ी लाभकारी होता है दोस्तों। जी हाँ, अगला तरीका इमली। जी हाँ, एक गिलास पानी में पकी हुई इमली के गूदा, काली मिर्च, दो से चार लौंग, दालचीनी आदि को मिलाकर आपको उबालना है और फिर इस मिश्रण को छान कर पी लेना है। इससे भूख बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये वो सारे कॉमन तरीके हैं जिनको आप अजमाएंगे तो देखना आप खुद आप महसूस फ़र्क महसूस करने लगेंगे कि आपकी भूख किस प्रकार से खुलने लगी है, भूख बढ़ने लगी है और आपको भूख बहुत तेज़ी के साथ आपकी बढ़ने लगेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।